आप सब जानते हैं कि 27 तारीख को पुणे में सीएम साहब की रैली है। नायक साहब जी, आई वॉन्ट यू टू यूज ऑल आवर पुलिस फोर्स टू मेक इट अ सक्सेसफुल रैली। यस सर। हर तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स को रैली से दूर रखिए। बाद में मुझे किसी तरह का एक्सक्यूज नहीं चाहिए। इज दैट क्लियर सर? एक्सक्यूज मी सर, आपने न्यूज पढ़ी होगी, पुणे'स फैमिली कमिटेड सुसाइड आफ्टर सीइंग डॉटर्स पोर्न फिल्म ऑन केबल। सर, हिडन कैमरा लगाकर औरतों को बेइज्जत किया जा रहा है। शॉपिंग मॉल्स में, बेडरूम्स में, पब्लिक टॉयलेट्स में न्यूड सीडी बनाई जा रही है। इनमें एक कॉर्पोरेटर भी इन्वॉल्व था। सर, मीडिया वाले इस बात को काफी उछाल रहे हैं। आपकी क्या राय है? व्हाट्स योर ओपिनियन? देखिए नायक साहब, मीडिया हर खबर को जरूरत से ज्यादा उछालती है। औरतों का ऐसा एक्सप्लॉयटेशन हो या प्रोस्टिट्यूशन हो, इसके बारे में एक हद से ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जहां समाज है वहां ऐसी गंदगियां तो होंगी। बस ये सीएम की रैली ठीक से हो जाए, यही हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। फिलहाल ये प्रॉब्लम हमारे लिए बड़ा मुद्दा नहीं है। सर, आपकी फैमिली है ना? मतलब? जिस दिन आपके घर की किसी औरत के साथ ऐसा होगा, क्या तब जाके ये बड़ा मुद्दा बनेगा? Pardon me for saying this, sir. इससे पहले कि ये रैकेट हद से ज्यादा बढ़ जाए, हमें इसे रोकना होगा। और ये मुद्दा सीएम की रैली से कहीं ज्यादा बड़ा है। सर, ये मुंबई कैडर के अर्जुन सिंह हैं, कॉर्पोरेटर को इन्होंने ही पकड़ा था। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये भी है कि सीएम की पुणे रैली में यही मुद्दा बहुत बड़ा बवाल खड़ा करने वाला है। कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा सर। क्या चाहते हो? I have a plan. I just need your permission. I'll arrange a meeting with principal secretary. सर, चाहे मलाड के लेडी स्लिम सेंटर का केस हो, या जलंधर के होटल रूम का, या पुणे के गर्ल्स हॉस्टल का, ये सब केसेस देखने में तो अलग अलग लगते हैं, लेकिन सर सब एक ही तार से जुड़े हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि इन सब केसेस का जिम्मेदार सिर्फ एक आदमी है, ये सुदामा पांडे, जो इस वक्त लंदन में है। सुदामा पांडे लंदन से ऑपरेट करता है। इस आदमी का खेल खत्म करने के लिए मुझे लंदन जाना होगा। And there I will need the full cooperation from the British government. वो सब इंतजाम मैं कर दूंगा। और तुम्हारी मदद के लिए हमारे फॉरेन ब्रांच के ऑफिसर मिस्टर विक्रम को भी तुम्हारे साथ भेज दूंगा। थैंक यू सर। कभी हमारे पुरखों ने देश को आजाद करा के भारत माता के आंसू पोंछे थे। आज आजाद हिंदुस्तान में जो माँ बहनें रो रही हैं, उनके आंसू पोंछना हम सबकी जिम्मेदारी है। अर्जुन सिंह, तुम्हें सुदामा पांडे से गुंडों से इन माँ बहनों को आजाद कराना है। एंड इन दिस मिशन आई विश यू ऑल द बेस्ट सर। पर क्यों? Why do you want to do all this? दो ही महीने में तो हमारी शादी होने वाली है। जानती है, जब से तुमने मुझे ये लाइटर दिया है, मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इसकी जो धुन है ना, मुझे हमेशा याद दिलाती है कि तुम्हें मेरा सिगरेट पीना बिल्कुल पसंद नहीं। So the trick worked. The tune worked. Something worked. Okay. Let's order. क्या खाओगी? मैं तो यहाँ के प्रॉन्स खाऊंगी। How can you have prawns today? It's Tuesday. No, it's Monday. नहीं बाबा, it's Tuesday today. तुम मुझे नॉनवेज नहीं खिलाना चाहते ना, इसलिए मुझे बोल रहे हो आज ट्यूसडे है? देख कल। ओके, वन सेकंड, आई विल कॉल द वेटर। ओह वेट अ मिनट, आर यू श्योर इट्स ट्यूसडे? या इट्स ट्यूसडे। ओह माय गॉड, व्हाट्स सो फनी? आज आरती और करण की एंगेजमेंट है और हम यहाँ बैठे डिनर कर रहे हैं। कम ऑन, लेट्स गो, लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम। इट्स नॉट माय फॉल्ट, इट इज योर फॉल्ट, लेट्स गो, वी आर गेटिंग लेट। ओके, लेट्स मूव, लेडीज फर्स्ट। कुड़ियां ऊपर लग गए नी, मुंडियां उड़ लग गई नी।
गए ने कुड़ियां नु पर लग गए ने मुंडियां नु डर लग गए ने हो दिल चुरा के हो गईया उड़ गईया तितलियां आयो रब्बा तितलियां was not bad. चल अर्जुन तेरी बारी. तेरी बारी? अरे अभी तो हम दोनों ने joint item किया है. Don't be smart. वो सपना की बारी थी, अब तुम्हारी बारी. She's joking. Come on. अपनी शादी में मत नाचना. लेकिन आज तो नाचना ही पड़ेगा. Hey, by the way, तुम दोनों कब शादी कर रहे हो? अरे पहले ये मेरे डैडी से बात करेगा तभी तो शादी होगी ना. अर्जुन, इनके डैडी के सामने बात करना बहुत मुश्किल है. मैं बड़े बड़ों की जुबानें खुलवा देता हूँ लेकिन इनके डैडी के सामने मेरी जुबान. मेरी सब फ्रेंड्स मुझसे जलती हैं, कहती हैं तुम्हें कितना हैंडसम आदमी मिला है और वो भी एसीपी. आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, यू नो. लेकिन अब मैं भी कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे तुम्हें मुझ पर गर्व हो. ऐसी क्या चीज है जो तुम करना चाहती हो? बुरा मत मानना पर मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई. मैंने फेस ऑफ द नेशन के लिए अपनी फोटोग्राफ्स भेजी थी और वो टॉप 11 में सिलेक्ट हो गई और सबका कहना है कि मेरे जीतने के चांसेस काफी ब्राइट है. पर क्यों? Why do you want to do all this? दो ही महीने में तो हमारी शादी होने वाली है. Then why? I know, पर शादी के पहले मैं कुछ करना चाहती हूँ, कुछ बन के दिखाना चाहती हूँ. Please, please Arjun, please. ठीक है. कब जा रही? आज. What? ओहो, मामा, बस दो हफ्तों की तो बात है. मैं यू गई और यू आई. पर बेटा तू लंदन में इतनी दूर अकेली. माँ तो बाकी सारी लड़कियां भी तो अकेली जा रही हैं. नहीं, ऐसे कैसे जाने दो तुझे एक अनजान शहर में जहाँ हमें जानने वाला भी कोई ना हो. मेरा मन नहीं मानता बेटा, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी. माँ अब ना आप दुनिया की बाकी सारी मॉम्स की तरह बिहेव कर रही हो. योर सपना इज मॉम, तो आप वैसे ही बिहेव करो. प्लीज. देख तू हमेशा जिद करके अपनी बात मनवा लेती है पर आज कम से कम मेरी बात सुन ले बेटा. पता है जब से तूने जाने की बात की है एक एक अजीब सा डर मुझे परेशान कर रहा है. मत जा बेटा, मेरा दिल घबरा रहा है. प्लीज. माँ मैं कहीं से 5 मिनट ले जाती हूँ ना तो आपका दिल घबराने लगता है. और अब मैं अच्छे काम के लिए जा रही हूँ तो ब्लेस मी. वो क्या कहते हैं ना, मुझे खुशी खुशी विदा करो. नाउ स्माइल फॉर मी प्लीज. ओह आई लव यू मॉम. लव यू टू. ओके कम ऑन बेबी, बी रेडी. ओके कैरी ऑन कैरी ऑन. कम ऑन पार्टनर, कम ऑन प्लीज बेबी, लेट्स रोल. लवली, हियर वी कम. वो
aren't you Mumbai face of the year? Aren't you? That's right, sir. Oh, so how are you doing in London? I'm fine. Aap kaise? Great, great. Oh, I must say, you have a great body. Yeah. Thank you. Lekin ek baat kahun, aap kuch ehtiyat nahi barat rahi hai. Look at other girls. Wo kya kya nahi kar rahi is competition ko jeetne ke liye. Yes. Yes. Sir, main koshish to bahut kar rahi hoon. You must. I want to wish you all the best, huh? All the best. Take care. Okay. Great body, man. Exciting. Come on. Give me some pose, baby. All right, come on. Wow. Fantastic. Okay, that's it. Okay, baby. Now change your clothes. Okay? All right. That's it. I'll be back. See you. We are waiting for you. Wow. Visa aur passport to mere paas hi hai. पीएनडी कोई लड़की अकेली बाहर नहीं जानी चाहिए हाय हाय प्लीज कुड यू गो आउट फॉर अ मिनट श्योर ये है हिंदुस्तानी लड़की सेक्सी डस्की यहां के गोरों को यही चाहिए अब देखना हमारे आने वाली हर ब्लू फिल्म में यही हीरोइन होगी अब तुम दोनों इस पर नजर रखो No phone calls, no meetings. सिर्फ काम के लिए स्टूडियो जाएगी और आराम के लिए मेरे पास आएगी. My God. अरे यार, अपने उस मिस लखनऊ से बोल, मंत्रियों से फोन करवाना बंद कर दे. अब हर चीज सिफारिश से तो नहीं मिलती ना. सही बात है. Hello sir. Oh Sapna. Oh my God, you are so beautiful. Thank you. You want to see a photograph? Yeah, sure. Sure? Come on, show you, baby. See? Oh my God. See one more. Ooh, this is so beautiful. ये गलत है. This is all wrong. Yeah, I know. Baby, why don't you show us something? How's this? अब क्या करे सपना? ये शरीर की भूख है. हर रोज इसे कुछ नया चाहिए यम 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 सी दिस सी ओ पापा जी की हाल है बहुत बुरा हाल है कोई होटल में हनीमून मनाने ही नहीं आता है अरे पापा जी छापा तो होटल पर पड़ा है ना घर पर तो नहीं पड़ा ना आज भी हर जगह शादियां हो रही हैं स्वागरात भी मनाई जा रही है ओ पापा जी आप एक काम करो क्या? वो लोग जो शादी का वीडियो बनाते हैं हाँ? उन लोगों को कुछ ज्यादा पैसे दो ना अच्छा? हाँ वो शादी के साथ साथ सुहागरात का वीडियो भी बनाएंगे ओ पापा जी हिंदुस्तानी औरत की सुहागरात किसी कत्ल की रात से कम नहीं होती हाँ अरे पर ओ पापा जी अभी टाइम वेस्ट मत करो इनको भेजो इनकी डिमांड है यहाँ पर हाँ ठीक है ओके थैंक्स हनी गुड रिहर्सल नेक्स्ट क्या रे मुंबई वाले वहाँ के 10 दिन हो गए और एक सीडी भी नहीं भेजा नहीं वो क्या है ना भाई कि अभी वो मैं क्या है क्या लड़कियों ने बाथरूम में कपड़े बदलना बंद कर दिया क्या अरे सुनो तो भाई वो तो फिर भेजना और हाँ मुझे हर स्टेट की एक लड़की की सीडी चाहिए जी भाई अरे पागल है यहाँ भारतीय नारी दर्शन की होड़ लगी हुई है होड़ समझा ए हनी थैंक यू हाँ बोल अच्छा भेजता हूँ अरे बस यार तू जल्दी बनाकर भेज दे अरे कट कट पहले शॉट तो निकालने दो चलिए ओके ओके इट्स फाइन एक्शन ओके स्टार्ट एक्शन ये फैंटास्टिक कम ऑन सपना लोग सीडी खरीदेंगे मजा लेने के लिए तुम्हारी रोनी सूरत कौन देखेगा जो चेहरे पे दिख रहा है वो कैमरे में भी दिखना चाहिए प्लीज कम ऑन गिव मी अ सेक्सी स्माइल कम ऑन जस्ट एंजॉय अरे यार गोरी को कपड़े उतारने में प्रॉब्लम नहीं है तुमको क्यों है हाँ ठीक है चिल्लाने से कुछ नहीं होगा जस्ट एंजॉय इट ओपन अप यस बेबी कम ऑन एंजॉय इट जस्ट एंजॉय नो आई कांट डू दिस बेबी तुम्हारे जैसा बहुत सारा लड़कियां यहाँ पे आके रो चुका है और जान देने की बात कर चुका है बेबी तुम पूरी तरह से फंस चुकी हो प्लीज प्लीज हेल्प मी छोड़ना चाहते हैं हम भी तुम्हें अभी इसी वक्त लेकिन कभी सोचा है छूटने के बाद तुम करोगी क्या क्योंकि तुम्हारा वीजा पासपोर्ट सुदामा के पास पड़ा है इसलिए तुम इंडिया तो जा नहीं सकता और विदाउट वीजा अगर लंदन पुलिस ने तुमको पकड़ लिया तो तुमको भी टेररिस्ट समझ के अंदर कर देगा बॉम्ब ब्लास्ट के बाद लंदन की पुलिस और भी सख्त हो चुकी है ये और यहाँ तुम जेल में पड़ा पड़ा रोता रहेगा और तुम्हारा ब्लू फिल्म का सीडी वहाँ इंडिया में बिकता रहेगा ब्लैक में ये प्लीज हेल्प मी तथास्तु
लगता है भगवान ने तुम्हारी सुन ली ऊपर yeah, इसलिए हम दो शरीफ भाइयों को भेजा है तुम्हारी मदद के लिए या तुम्हारे न्यूड फोटोग्राफ्स तुम्हारे ब्लू फिल्म की मास्टर सीडी या इवन नेगेटिव्स सब तुमको दे देंगे सब कुछ क्यों सच yeah. दिनेश की कसम लेकिन उसके लिए तुम्हें सुदामा पांडे के बिजनेस कॉन्टेक्ट और सीक्रेट्स की सीडी हमें ला कर देनी होगी कुछ पुराना हिसाब चुकता करना और वैसे भी मेहनत करे कोई और कोरिया भर के पाउंड्स कमाए कोई और बहुत बेइंसाफी है और फिर हम चलाएंगे सुदामा का कारोबार हाँ। और तुम हो जाओगी आजाद एकदम आजाद मगर मैं कैसे मैडम आजकल सुदामा तुम पर बहुत फिदा है और तुम्हारे अलावा उसके बेडरूम में और कोई एंट्री नहीं कर सकता दिल तुझ पे कुर्बान अगर मैं उसकी सारी सीरीज आपको दे दूं तो आप मेरे सीरीज और नेगेटिव्स वापस कर देंगे बिल्कुल जेंटलमैन्स प्रॉमिस yeah. उसके बाद तुम आराम से घर जा सकती आजादी फ्रीडम बैंग 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 सो बी अ गुड गर्ल सपना सीडी लेकर सीधे एलसी स्टूडियो पहुंचा अर्जुन काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती Change. Come on, magazine change quickly. Oh, what's going on? Natalia, baby, when are you gonna learn how to die? Sweetheart, what is it? Yaar, ise marna nahi aata yaar, koi ise marna sikhao. You're right actually. Rahul, Ammu keh rahi hai ki tum wahan jaakar theek se kyun nahi samjha dete Natalia ko ki tumhe kya chahiye? Yeah. Nahi to baar baar aisa hota rahega. Okay. Natalia, come here. Okay, Natalia, look, we have a problem. Why can't you just die? Yeah, but I never died before in a movie. Okay, look. When he comes and stabs you, please try not to look dumb. You're emoting. So, just please get what I'm saying. Uh-huh. You step back. Back up. Yeah? Okay. 6 o'clock. What? Oh, bro, we just have one shot more. Just one. No, I can't do it. Pack up. 6 o'clock now. We'll be... 6 o'clock. It's the end of it. Out from here. I can't. Rahul, I don't understand. Let it be. Back up. Oh. अम्मो बिल्कुल सही कह रही है नखरे बड़े बड़े और एक्टिंग जीरो कैसे कह रही थी ना आई वॉन्ट टू गेट इन टू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर और देखता क्या है स्किन यू बेट नो एक्टिंग एंड नो एक्सप्रेशन क्या हुआ ओके अम्मो कंटिन्यूटी का जैकेट अंदर भूल आई है वाह
वो जैकेट की मुझे जरूरत है, कल सुबह 9 बजे है रिक्वायरमेंट फॉर द जैकेट। ओके गर्ल्स, तो फिर तुम जाके ले आओ ना, 2 मिनट लगेंगे। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, मेरी फाइनेंसिस के साथ मीटिंग है और मुझे एक हीरोइन को स्क्रिप्ट भी सुनाना है। ठीक है तो मैं जा रही हूँ, चलो 2 मिनट में आ जाएंगे। अपने इस डाउरी गिफ्ट को कभी तो अकेला छोड़ो यार। सो मीन यू। चलो कम में या कम। अरे तुम टैक्सी क्यों पकड़ोगे, हम लोग रुकते हैं ना इधर। अरे कितनी बार तो टैक्सी पकड़ती है ये। कम ऑन एंड लिसन, यू आर ड्राइविंग, बाय। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके हाँ, फोन को टॉप अप करना, सिम कार्ड को, आई विल डू इट, बाय। ओके बाय। कम ऑन डार्लिंग, हरी अप, हरी अप, लेट्स गो। लंदन में कब आया? मुंबई से कई बार आपको फोन करने की कोशिश की लेकिन आपने फोन ही नहीं उठाया। लगता है लड़कियों के अलावा आप किसी और का फोन ही नहीं उठाते। लड़कियां, hey come on, do something, put some sex into it, yeah, लड़कियां, लड़कियां तो अपनी जिंदगी है भाई, बोल कैसे आना हुआ? आपको अरेस्ट करने आए हैं, एसीपी अर्जुन के साथ। ओह वेरी गुड। अरे कमाल है, डरना तो दूर, आपको हैरान तक नहीं हुए? अरे भाई मैं हैरान होता नहीं हूँ, हैरान करता हूँ। hey, come on, baby. पांडे जी, ये एसीपी अर्जुन आपके बारे में सब कुछ जानता है। ओह मैन, डोंट गिव मी द प्रॉब्लम, टेल मी द सॉल्यूशन। अरे पांडे जी, एसीपी अर्जुन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। जैसे महाभारत में अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख नजर आ रही थी, बिल्कुल वैसे ही एसीपी अर्जुन को सिर्फ आप नजर आ रहे हैं। इसका मतलब मेरे जाल में जितनी चिड़िया फंसी थी उनमें से किसी एक चिड़िया का अर्जुन से कनेक्शन है। क्या, क्यों चौंका दिया ना? अरे विक्रम, मुझे हर चीज पर नजर रखनी पड़ती है भाई, कुछ सुनने के लिए, कुछ बुनाने के लिए। अब देखो ना, कल तक मुझे सिर्फ अर्जुन के कुछ पलों की खबर थी, लेकिन अब मुझे उसके हर पल की खबर चाहिए, और वो खबर मुझे तुम दोगे, ठीक है? और तुम वहां क्या कर रहे हो? अरे लंदन तो यहाँ है मैन, सब कुछ यहाँ है, कम हियर एंड एंजॉय लाइफ। Bye, baby. Bye, sweetheart. Hey, baby. हाँ। आराम से जाना, आराम से आना, okay? Drive safely. You're not a good driver, हाँ? Don't worry, okay? Cheers, Uncle. All the best for your meeting. Love you. Bye. Go. गई। Okay, दीनू भाई, script दे दी? दे दी, sir. वैसे मैं दूसरी भी लेके आया। Mobile. Silent पे किया है। रूल नंबर 1, लीना जी डिस्टर्ब नहीं होंगी। साहब जरा खुलकर समझाइएगा, क्योंकि लीना जी वैसी नहीं है। व्हाट डू यू मीन वैसी नहीं है? नहीं 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 नहीं, वैसी ही हैं, इसलिए कह रहा हूँ फ्रैंकली समझाइएगा, क्योंकि लीना जी बहुत मूडी हैं। साहब मैं 10 साल से इस लाइन में हूँ, सबके शौक जानता हूँ। रूम में नरेशन का सेट पे लीना जी की परफॉर्मेंस से सीधा रिश्ता है, इसलिए कह रहा हूँ अंदर जाइए, और जब तक आप अंदर हैं मैं किसी को अंदर आने नहीं दूंगा। ओके ओके देन, मैं दिल खोल कर उसे स्क्रिप्ट सुनाता हूं। सीन नंबर 27, नेहा गोस टू द क्लब, या शी इज वेयरिंग द रेड ड्रेस, सेम वन, और फिर सॉरी, और फिर वो उसे देखता है, दोनों की बातें आंखों ही आंखों में होने लगती है।
उसके चेहरे के साथ खेलती है, उसके होठों पर अपना हाथ फेरती है और पास आती है और पास। Any crime in London in which Indians are involved, your government has already informed us. I'm here to do anything that helps you. Thank you, sir. But I'm here to teach them a lesson. Arjun, the criminals may be yours, but the laws are ours. Please bear that in mind. I will, sir. जैसा मैंने कहा था, आप लोगों को यूके पुलिस की पूरी कोऑपरेशन मिलेगी। Thank you. All the best. I hope you nab them. मैंने फेस ऑफ द नेशन लड़कियों की फाइल मंगवाई है सर। सपना लंदन में जहां कहीं भी है जल्दी पता लग जाएगा। सर आप परेशान ना हो सपना के बारे में। कल तक जो गुंडे सड़कों पर चौराहों पर लड़कियों को छेड़ा करते थे वो आज कैमरे लेके घरों में घुस आए। कहां छुपेंगी बहनें बेटियां कहां पर? और ये सब सुदामा पांडे जैसे गुंडों की वजह से हो रहा है जो खुद तो हजारों मील दूर यहां पर आकर छुपा हुआ है। कब तक छुपेगा वो? So babe, looking sexy. वो तो रोज ही लगती है। आज कुछ ज्यादा लग रही है। बैंग बैंग बे। वो इसलिए कि हमारा काम करके लौटी है। सपना कहाँ है वो? सीडी? वो मेरे बैग में। तो दिखाओ ना उस बिलियन डॉलर सीडी को प्लीज। मैंने अपना काम पूरा कर दिया, अब तुम दोनों भी अपना प्रॉमिस निभाओ। ये लो, जेंटलमैन्स प्रॉमिस। Say thank you. Now be a good girl. अपनी शर्ट उतार। Don't touch me. अरे क्या कर रहे हो तुम? See Sapna, how is he behaving? जैसे पहली बार तुम्हारे कपड़े उतार रहा है। Naughty boy. Come on. Please don't touch me. क्यों? ये नहीं चाहिए तुम्हारी ब्लू फिल्म की मास्टर सीडी। और वो फोटोग्राफ्स? कुछ नहीं चाहिए। चाहिए ना? चाहिए, इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। तुम सब लोगों ने जो भी कहा मैंने किया। हाँ, किया। तुम सब लोगों ने मुझे कितना एक्सप्लॉइट किया। हाँ, किया। और भेड़िये सुदामा पांडे ने मुझे किस कदर नोचा। मैं तो सिर्फ फेस ऑफ द नेशन बनना चाहती थी। मैं और मुझ जैसी कितनी हजारों मासूम लड़कियों को तुम ही ने हमारे चेंजिंग रूम्स में स्पाई कैमरास फिक्स करके हमारी सीरी बनाई, हमें ब्लैकमेल करके ब्लू फिल्म्स करने पर मजबूर किया। मैं तो सिर्फ इस दलदल से निकलना चाहती थी। तुम ही ने कहा था ना कि अगर मैं सुदामा पांडे के सारे बिजनेस डॉक्यूमेंट्स और सीक्रेट्स की सीरीज लेकर आ जाऊं तो तुम मुझे मेरे ब्लू फिल्म्स और नेगेटिव्स वापस कर दोगे। प्लीज मेरे नेगेटिव्स वापस कर दो। प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज। कर देंगे सपने, लेकिन उससे पहले एक आखिरी बार हमारे पर्सनल कलेक्शन के लिए। हाँ, एक तोहफे के तौर पे। यहाँ लेट जाओ, मैं शूटिंग करता हूँ। प्लीज बेब, कम ऑन, सिर्फ इसके और मेरे लिए है। प्लीज अंडरस्टैंड। ये तो मेरे और इसके लिए है, मार्केट के लिए नहीं है ये। देखो बहुत हो गया, अब मैं और नहीं सोऊंगी। मेरी सीरी वापस कर दो, नहीं तो नहीं तो नहीं तो नहीं तो हमारी जान लोगी बेबी। हाँ, ये सारा खेल लेन देन का ही तो है। ए, जो तुम्हें हाँ? चाहिए ले, जो हमें चाहिए वो दे। कम ऑन बेबी, क्या छुपा रही हो? सब कुछ तो देखा हुआ है। गुड वन। देखो मेरे पास मत आना। मैं तो डर गया। हाँ? मुझे मेरी सीरी दो।
Give me my CD or I'll expose you. CD दो। हाँ, मैं तुम्हारी जान ले लग जाएगी। मैं भी डर गया। Killer. लगता है कोई ऊपर गया है। कोई है गंभीर। कोई है। बात नहीं लगता सपना की मौत का सदमा झेल नहीं पा रहे हो तुम। आई थिंक सो। अब क्या कोई है? तो ढूंढते। बोलो कहां से शुरू करें? दाएं बाएं ऊपर नीचे? ऊपर से शुरू करते। ऊपर से सब कुछ दिखता है। हाँ। उसे ढूंढते हैं जो नहीं है। दिनेश हसमुख, अरे उस लाश को भी तो ठिकाने लगाना है। पर वरना हम दोनों ठिकाने लग जाएंगे। गंभीर भाई, कोई है? कोई नहीं है, भ्रम है तुम्हारा, भ्रम। आओ चलते हैं। Be a good boy, हसमुख। I am a good boy.
तुम मासूम लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनकी फिल्में बनाते हो। जिस दिन तुम्हारी बेटी, बहू, बीवी या बहन इसका शिकार बनेगी, तब तुम्हें इस दर्द का एहसास होगा, तब तुम मुझे उस आदमी का नाम बताओगे। एग्जैक्टली डोंट नो, मेन आदमी का नाम तो नहीं पता, लेकिन ये सब सीडीज हमें 7 मेट मिलेनियम क्लब से मिलती है सर। उसका मैनेजर हमें सप्लाई करता है। कहाँ मिलेगा? लेट्स जस्ट गो। हे भगवान, भाभी जी फिल्म नहीं बनने देगी। यू गुड, यू वेरी गुड, लवली, यू डन। राहुल, व्हाट्स गोइंग ऑन? हाँ बेबी, मैं मीटिंग में हूँ डार्लिंग, डोंट डिस्टर्ब मी, वन सेकंड, कम कम यू करके फील फ्री। एक्चुअली सारी मेहनत तो मैं ही कर रहा हूँ। यू नीड सम प्रैक्टिस, यू नीड टू प्रैक्टिस, ओके? देन यू कम बैक टू मी लेटर, ओके? इट्स नॉट हैपनिंग बेबी, इट्स रियली नॉट हैपनिंग। लेट्स गो, चलो चलो चलो। योर फाइल एंड योर स्पेक्स एंड योर मोबाइल, 10 मिस कॉल और वो भी स्टूडियो से। ओह माय गॉड, इसका मतलब अम्मू अभी तक घर नहीं पहुंची। Let's rush. Come on. Yummy. What are you up to? Come on now. We will be there soon. सपना की किस्मत का फैसला तो हो गया। हाँ, अब सुदामा की सोचते। बिल्कुल। और मान जाती तो क्या फर्क पड़ गया। मरने के बाद इंसान कितना भारी हो जाता है ना।
ओके बेबी, ओके, कूल डाउन बेबी। क्या हुआ ऐसे? लगता है कि हाँ छोड़ो, ऊपर से फिसल कर गिर पड़ी है। ओह माय गॉड, राहुल, राहुल, यहाँ जल्दी आओ, राहुल। पहले आप डॉक्टर को बुलाइए प्लीज। राहुल, आप जाकर बुलाइए, मैं यहाँ रुकती हूँ प्लीज। इसलिए छोड़ो इसके हाथ। इसलिए तो कह रहा हूँ कि पहले आप डॉक्टर को बुलाइए, इसकी कमर में चोट लगी है, जरा भी हिलेगी डुलेगी तो सीधा बिस्तर पकड़ लेगी। Oh, इसलिए इसके हाथ पकड़ रखे हैं। मैं जल्दी से जाके डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। प्लीज, कह रहे कि तू पैरालाइज भी हो सकती है। 2 minutes, I'll be right back. ये कुछ कहना चाह रही है, छोड़ो इसके हाथ। मैंने कहा छोड़ो इसके हाथ। What happened, baby? मर्डर? किसने? किसका किया? Oh my God, राहुल, राहुल, राहुल यहाँ जल्दी आओ, पुलिस को बुलाओ। Oh, everything is gonna be all right. राहुल, come fast. Hello, Vikram. I'm a little confused. आप कहती हैं कि यहाँ एक लड़की का मर्डर हुआ है और मर्डर इस आदमी ने किया है? Yes, of course. आपने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि जिस लड़की का मर्डर हुआ है अपनी जान बचाने के लिए से काफी स्ट्रगल किया था, लेकिन यहाँ ना तो कोई खून है और ना ही कोई कत्ल के निशान। सर, एक्चुअली वो हम अपनी फिल्म के मर्डर सीन की रिहर्सल कर रहे थे सर। मेरी बहन इतने सालों से फिल्म यूनिट में काम कर रही है, असली मर्डर और नकली मर्डर का फर्क जानती है ये? नहीं मैडम, फिल्म वालों को भी गलतफहमी हो सकती है। इसे कोई गलतफहमी नहीं है। आप अभी भी होश में नहीं है मैडम। ऑफिसर, कम ऑन, आई कैन वाउच फॉर हर। हम बहस क्यों कर रहे हैं? ये पूरी तरह से होश में है और इसे कभी किसी बारे में कोई गलतफहमी नहीं होती है, है ना? I'm fine. I'm fine. Are you okay? Shoot your guys! Don't move! Hey! You! तुम्हारा problem क्या है यार? ये देखिए, नकली चाकू है। और ये देखिए, come on baby. खून भी नकली है। इतने बड़े film director, इन्हें नहीं समझ में आई है murder असली है या नकली? ये लड़की समझेगी? और अभी तो ये होश में भी नहीं है। सीरियसली अमू, तुम्हें कोई इल्यूजन हुआ है क्या? कोई इल्यूजन नहीं हुआ है इसे। इसने खुद अपनी आंखों से देखा है कि इन दोनों ने उस लड़की की ब्लू फिल्म निकालनी चाहिए। उस लड़की के लाख मना करने के बावजूद इन दोनों ने उस पर जबरदस्ती की और फिर इन दोनों ने उसका मर्डर कर दिया। ये पागल नहीं है, ये बोल नहीं सकती, लेकिन ये सुन तो सकती है, देख तो सकती है। इन दोनों ने उसका मर्डर किया है। ओके ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स। व्हाट रिलैक्स? राहुल, इंस्पेक्टर ने हम लोग की बात सुने बिना अपना ओपिनियन दे दिया कि मर्डर हुआ ही नहीं। व्हाट नॉनसेंस? ओके, वेट वेट वेट, मर्डर हुआ है। वेयर इज द बॉडी? चलो नकली मर्डर की नकली लाश भी देख लेते हैं। कहाँ है? अरे मैडम, कहाँ है आपका सबूत? क्या कह रही है? अमू ये कह रही है कि पहले यहाँ पे बहुत सारे कचरे की थैलियाँ थी, अब बहुत कम है। मैडम, हम यहाँ गायब हुई लाश को ढूंढने आए, गायब हुई कचरे की थैलियों को नहीं। कहाँ है? अरे मैडम, क्या कहना चाह रही हैं? क्या कहना चाह रही हैं आप? Can I help you? I'm Martin, the security guard. Hi Martin. Apparently there were lots of trash bags over here. You have any idea where they are? Yes, I picked them up and moved them. I put them in the trash can outside. I'll show you if you like. Yes please, yes please. आइए, आइए। अब meanwhile इनको arrest तो कीजिए। आपकी कहानी में दम है मैडम, लेकिन इसके बिना पर मैं किसी को अरेस्ट तो नहीं कर सकता ना। आप एक काम कीजिए, किसी सुपरहिट प्रोड्यूसर को ये कहानी सुना दीजिए ताकि वो एक सुपरहिट पिक्चर बना सके। एनी प्रॉब्लम? नो, एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। वी आर सपोजली लुकिंग फॉर अ डेड बॉडी। या या या, कम 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 कम, लाश ढूंढ रहे हम लोग। या आई पुट द ट्रैश बैग्स हियर व्हिच आई ब्रॉट फ्रॉम ओवर देयर। ओपन इट अप। राइट,
What the hell is going on? देखा, सब प्रूव हो गया है। ना तो यहाँ कोई लाश है और ना ही कत्ल के निशान। मेरी मानिए तो इनका आप साइकेट्री से इलाज करवाइए। और ये रहा मेरा कार्ड। अगर आपको कुछ और लगे तो मुझे बता दीजिएगा। All right? Right on, sir. Thank you. Sorry. It's all right. It's okay. John, let's go. Come. Could you wait it outside? It was no murder. It was just an illusion. ये ब्लू फिल्म में जो तू खरीदता है, कहाँ से मिलती है? चल भी अरल खेलियो. Speak up. Dinesh and Dinesh. Where will I find them? L Street Studio. सब चले गए. तू क्या कर रहा है? We will miss you, baby. श्रद्धांजलि दे रहा हूँ शहीद को. हाँ, अच्छी लड़की थी बेचारी. हाँ, बेचारी सपना हमारी भलाई के लिए शहीद हो गई. Take care, तू. ये 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 ये. अब होगा सुदामा पांडे के कारोबार पर हम दोनों का कब्जा. Yeah. Finito, the end of सुदामा पांडे. उसे बना देंगे हम कृष्ण भगवान के युग का सुदामा, एकदम कंगाल. लंदन के भिखारियों में एक और भिखारी. ये, please give me £1, sir. Here, take it and get lost. Pounds के दिन गए, अब हम millions में खेलेंगे. CD कहाँ है? मेरे पास. निकालो. CD कहाँ गई? जैकेट की पॉकेट में रखी थी. क्या? एक मिनट. Oh my God. जब मैंने उस लड़की को देखा तो वो तुम्हारी जैकेट के पास खड़ी थी. ओ माय गॉड, मैं उस लड़की के पीछे भागा और जैकेट के बारे में लगता है सीढ़ी वो ही ले उड़ी. ओ माय गॉड, डैम इट. जब तक उसे ढूंढेंगे तब तक सुदामा पांडे को सब पता चल जाएगा. हेलो टॉम. टॉम, मुझे उस गूंगी लड़की का पता चाहिए. यस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी पैसा खर्च होता है. प्लीज जस्ट गो 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 नाउ गो. ओ माय गॉड. तो तुम मुझे बुरी खबर सुनाने के लिए भारत से लंदन आए हो क्या? Don't tell me the problem. Tell me the solution. आपकी चहेती मॉडल सपना का मर्डर हो गया है. दिनेश एंड दिनेश? सॉल्यूशन. एक गूंगी लड़की ने मर्डर होते हुए देखा है और वो भी उन दोनों पर इल्जाम लगा रही है. तो इसका मतलब सीडी डीएनडी के पास है. नहीं भाई, वो दोनों खुद परेशान हैं. सीधी उस गूंगी लड़की के पास है. क्यों? पता नहीं. अरे अमू, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? Come on, sweetheart, get ready now. अमू. कोई करे ना करे, मैं तो विश्वास करती हूँ ना. Hey honey, how do you like my new coat? Like? Huh? I don't like it. What are you saying? ठीक है यार, I like it. अमू, तुम रेडी नहीं हुई? अमू की तबीयत ठीक नहीं है. ऐसे ही सोचती रहेगी, तबीयत तो ठीक होगी नहीं वैसे भी. चलो पार्टी में दिल बह जाएगा. Let's go, come on. कुछ करो ना. ओके बेबी, इतनी रात को कुछ नहीं हो सकता. अनमु लुक, कल सुबह मैं इंडियन एम्बेसी जाऊंगा, उनको बोलूंगा कि केस को फिर से इन्वेस्टिगेट करें. इज देयर अ प्रॉब्लम? नहीं ना. इट विल बी फाइन. इट्स ओके. नाउ कम ऑन, गेट रेडी एंड लेट्स गो. लेकिन अमु, वो कुछ. चलो कम ऑन नाउ, यू हैव टू कम. डोंट डू दिस. क्या करोगे? ओके देन, लेट इट बी. नो प्रॉब्लम, नो वरीज. अमु को आराम करना है, अमु तुम आराम करो. इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट वी गॉट टू हरी, प्लीज. एंड अमु, वी लव यू. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. ओके, सी यू बेबी.
छीने चले थे। अरे तुम दोनों मेरी वजह से तो बचे हुए हो। अब देखता हूं तुम दोनों को लंदन पुलिस से कौन बचाएगा। आप बचाएंगे सर। मैं क्यों बचाऊंगा? क्योंकि अगर हमने आपके बारे में पुलिस को सब कुछ बता दिया तो हमारे साथ आप भी फंस जाएंगे सर। हे डीएनडी, मैं तुम लोगों का वो हश्र करूंगा कि तुम लोग दिल से तो बहुत कुछ करना चाहो लेकिन जबान से कुछ नहीं कह पाओगे। यू बोथ आर फिनिश्ड। बास्टर्ड, डोंट टेल मी द प्रॉब्लम, tell me the solution. He is the problem, we are the solution. He is finished. Sir, I understand you are a police officer from India and you have permission to search the studio, but you are slightly late for investigation. What investigation? A mute girl case. Mute girl case? Yes, sir. One Indian girl claimed she saw a murder inside the studio. Murder? Yes, sir. She believed that the two men murdered the girl wanted to shoot a porno film. Porno film? Yes, sir. Who were those guys? Since it was a murder, I didn't take much interest in it. What is the girl's name? Ammu. Ammu? Have you got her address? I'm sorry, sir. I'm afraid I don't. But if there's anything else I can help you with, I'll let you know. No, that's fine. Thanks. You can go. Thank you very much. यहाँ एलस्ट्री स्टूडियो में हमारे इंडियन क्रू कोई शूटिंग कर रहा था यहाँ पे, उनमें से मुझे अम्मू का पता चाहिए। ओके अर्जुन, आई विल गेट यू द डिटेल्स। थैंक यू सर। गूंगी घर पे है।
अब क्या करोगे? सॉरी, लेकिन तुम भाग क्यों रही हो? किसी ने किसी को मारा? तुम बोल नहीं सकती? अमो, घबराओ मत, मैं पुलिस ऑफिसर हूं। वो लड़की मेरे हाथ में आ जाए फिर तो दिनेश ने दिनेश दिए। अरे ढूंढो यार उसको, कहीं भी होगी वो। नरेश, चल कहां जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन। चौकीदार ने मुझसे कहा था कि तुमने स्टूडियो में किसी का खून देखा, तो तुम उसे, वो पुलिस चौकी है, हम लोग हेडक्वार्टर्स जा रहे हैं। हाँ मैं पुलिस ऑफिसर हूं, यूनिफॉर्म नहीं पहनता। हाँ तो मैं ये पूछ रहा था कि तुमने किसका मर्डर होते हुए, you
अम्मू अम्मू ये ओह माय गॉड अम्मू कहाँ है अम्मू राहुल सीडी किधर है बता कौन सी सीडी अरे ये गूंगी तो बोलने लगी अपने बॉस के डर से तो अच्छे अच्छे बोलने लगते हैं ये गूंगी क्या चीज है हे होल्ड ऑन कौन हो तुम लोग ए बहरे ना किसको बोला पहला किसको बोला तेरे को बोला हाउ डेयर यू पांडे जी जी सुदामा जी सुना है आपके पार्टी के लड़कों में हमारी सीडी बहुत पॉपुलर है वो तो है तो फिर हमारे लोगों की गलत एक्टिविटीज को इग्नोर करने की आदत डालिए ना मुंबई पुलिस को समझाइए कि मुझे डिस्टर्ब करने के लिए ये किसी एसीपी अर्जुन को लंदन क्यों भेज दिया अब तो खुद ही समझदार है दूध देती हुई गैया के दांत तो नहीं देखे जाते ना हेलो विक्रम मैं अर्जुन बोल रहा हूँ इस वक्त मैं विक्टोरिया स्ट्रीट पर हूँ ऑपोजिट पिज़्ज़ा पैलेस और सुनो मिस्टर स्मिथ से कहो कि आई नीड सम पुलिस फोर्स ओवर हियर माय आईडी कार्ड चेक इट आई टेल देम टू हरी अप अजीब रात है मैं यहां पर अपनी फियांसी को ढूंढने आया था पता नहीं वो कौन सी मुसीबत में होगी मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूं बहुत प्यार करता हूं मैं उससे असी तेरी गल करनी असी तेरी गल करनी हो गल करनी है डैडी नाल असी तेरी गल करनी है डैडी नाल असी तेरी गल करनी है डैडी नाल असी तेरी गल करनी Think harder, boy. Good men are hard to find. Me, marry you? You're kidding me, right? I need a real man who'll always treat me right. You know what I'm saying, boy? Huh? Gal karni. चंडीगढ़ और पटियाला में घुमाऊंगा मून पे भी जाके हनीमून में मनाऊंगा चंडीगढ़ और पटियाला में घुमाऊंगा मून पे भी जाके हनीमून में मनाऊंगा बल्ले बल्ले शावा शावा करके दिखाऊंगा तुझको भी अपने संग में नचाऊंगा जिंद मेरी हुण हैगी केणी देरी हुण बात न मेरी टाल असी तेरी गल करनी है डैडी नाल असी तेरी गल करनी है डैडी नाल असी तेरी गल करनी है डैडी नाल असी तेरी गल करनी काश पेइंग गेस्ट वाली लड़कियों का केस मेरे पास पहले आ गया होता तो मैं सपना को कभी लंदन जाने नहीं देता कि हमारा लैंडलॉर्ड हमारे पैसे वापस नहीं दे रहा है प्लीज हमें हमारे पैसे वापस दिला दीजिए ऐसे कैसे पैसे दिला दूं आपके अलावा और भी लड़के रहती हैं वहाँ पिछले 10 सालों में उस बंगले में कितनी लड़कियां पेंगे से के जा चुकी हैं मगर आज तक किसी की कंप्लेंट नहीं और वैसे ऐसी कौन सी बात हो गई जो आप लोग 5 दिन में मकान खाली करने को तैयार है और हाँ उस बंगले का मालिक कुलकर्णी बहुत इज्जत वाला आदमी है और आप किसी भी इज्जत वाले आदमी के खिलाफ बोले जा रही हैं
इज्जतदार आदमी, अरे दूसरों की इज्जत से खेलता है वो। मैंने पहले ही कहा था ना, पुलिस के पास जाके कुछ नहीं होगा, चल चलते हैं। एक्सक्यूज मी, किसकी इज्जत से खेल रहा है वो? सर देखो डरो मत, बताओ। सर उसने हमारे कमरे में वेब कैमरा लगा के हमारी गंदी गंदी तस्वीरें उतारी, और जब हमने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया तो उसने हमारा सारा सामान घर के बाहर फेंक दिया। फिर जब हमने अपना पैसा वापस मांगा तो उसने हमें धमकाने की कोशिश की, प्लीज आप हमारे पैसे हमें वापस दिला दीजिए, हमें उसके खिलाफ कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। तुम उसके खिलाफ FIR नहीं लिखवाओगे? नहीं सर, बड़ी मुश्किल से सबसे लड़ के मैं डॉक्टर बनने के लिए शहर में आई हूँ। FIR से बात बढ़ेगी, मामला अखबार में आएगा, बदनामी होगी, मेरे घर वाले मुझे वापस गांव ले जाएंगे और मैं कभी डॉक्टर नहीं बन पाऊंगी। घबराओ मत, तुम डॉक्टर जरूर बनोगी। अच्छा अच्छा, तो तुम्हें भी अपनी सहेलियों की तरह डिपॉजिट वापस चाहिए? हाँ। तो ठीक है, जो मैंने उनको कहा था तुम्हारे लिए भी वही चॉइस है, कैमरा लगा रहने दो और तुम भी रह जाओ, या फिर कमरा खाली कर दो और डिपॉजिट को भूल जाओ। क्यों, अच्छी चॉइस है ना? आप लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं ना? बीमारी और जुर्म छुपाने से दोनों बढ़ते हैं, आइंदा से कोई भी चीज मत छुपाना, ओके? ऑल द बेस्ट। तुझे चॉइस देने की आदत है ना, आज मैं तुझे चॉइस देता हूँ, बोल, मार खा के सच बोलेगा या झूठ बोलकर मार खाएगा? मैं समझा नहीं सर। मार खाकर सच बोलेगा या झूठ बोलकर मार खाएगा? नहीं नहीं साहब, मुझे और मत मारिए साहब, मुझे और मत मारिए। ये काम क्यों करता है साहब? पहले तो सीडी में अपने मजे के लिए बनाता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि सीडी की मार्केट में बहुत प्राइस मिलती है, इसलिए मैंने सीडी मार्केट में बेचने के लिए बनानी शुरू कर दी साहब। किसे बेचते हैं? अक्रम भाई को। कहाँ मिलेगा ये? मुझे नहीं मालूम साहब। सच बोलता है? भगवान की कसम मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ साहब, वो यहाँ खुद आता है सीडी लेने के लिए। कब आएगा? 2 दिन के बाद आएगा साहब। हवलदार जी साहब, इसे लॉकअप में मत डालना। ठीक है साहब। यहीं पर 2 दिन के लिए नजरबंद रखो। ओके साहब। अबे साले कहाँ है तू? हाँ भाई बस पहुँच रहा हूँ। मुझे पहुँचाने तेरे ससुराल वाले भी भारत लेके खड़े हैं। चल पतली गली से निकल। क्या हुआ भाई? अबे कोची, ये पुलिस वालों की हिलने डुलने की खबर हमेशा न्यूज चैनल पे दिखाई देती है, अपने धंधे में रहने के लिए न्यूज चैनल देखना बहुत जरूरी है, समझा क्या? हाँ समझा भाई। चल अब निकल, कुलकर्णी का भांडा फोड़ होने वाला है, थोड़ी देर में अखा हिंदुस्तान उसको टीवी पे देखेगा। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि केवल हम दिखाते हैं आने वाले कल की खबर आज। अब हम आपको सर, मुझे लगता है वो यहाँ नहीं आएगा सर। नहीं नहीं सर, यकीन मानिए चैनल वालों को बताने में मेरा कोई हाथ नहीं है, प्लीज सर, प्लीज सर, मुझे चॉइस मत दीजिए सर, प्लीज। शिंदे नजर रखना इस पर। सर आपको लगता है कि कुलकर्णी का अंडरवर्ल्ड से कोई संबंध हो सकता है? फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का संबंध अंडरवर्ल्ड से है, आप लोगों की वजह से जनता नहीं बल्कि क्रिमिनल्स अलर्ट हो जाते हैं, अब आपकी वजह से हमारे आता हुआ शिकार भाग गया, आप सर, लोगों की वजह से। आपकी मदद करना चाहते। हमारे साहब को गुस्सा है ना, तेरा कैमरा कर देंगे ब्रेक, चल निकल ले यहाँ से, लगता है अब हमें लेना होगा एक ब्रेक। हेलो आंटी, मैं अर्जुन बोल रहा हूँ। हेलो बेटा, कैसे हो? आंटी ठीक हूँ आंटी, आपकी सपना से बात हुई? मैं 2 दिन से कोशिश कर रहा हूँ, मेरी उससे बात नहीं हो पा रही। हाँ बेटा,
उसका टूर मैनेजर का फोन आया था और वो कह रही थी कि उसकी ट्रेनिंग हफ्ता 10 दिन के लिए एक्सटेंड हो गई है और जिस जगह पर ट्रेनिंग है वहाँ मोबाइल नेटवर्क ही नहीं है। पर अच्छा फोन नहीं कर सकती वो? बेटा उसे टाइम नहीं मिल रहा होगा ना शायद। ठीक है आंटी, आपकी उसे बात हो कहिएगा मुझे फोन कर ले। जरूर बेटा। और बाकी तुम ठीक ठाक तो हो ना? हाँ आंटी, मैं एकदम ठीक हूँ। थैंक यू आंटी। पिछले कुछ दिनों से मुंबई में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। फोन क्यों नहीं कर रही? पार्ले की कुलकर्णी का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि मुंबई के हिस्सा के नागा इलाके में एक और मामला प्रकाश में आया है। यहाँ के केबल ऑपरेटर ने केबल वायर ठीक करने के बहाने मिस्टर पटेल की बेटी के बाथरूम में लगे एग्जॉस्ट फैन में कैमरा छिपाकर उसकी नहाते वक्त फिल्म उतारी और केबल टीवी पर दिखाई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को इस संबंध में गिरफ्तार कर आज ही अदालत में पेश कर दिया। लेकिन फौजदारी के मामले के मशहूर वकील कुलकर्णी केस में जो आदमी हमारे हाथ से छूट गया पुलिस और सब ये हमें वहाँ तक पहुँचाएगा। लेकिन सर ये इलाका हमारे अंडर में नहीं आता। तो क्या हुआ? प्लीज आप जाइए, हमने कानून का दरवाजा खटखटा के देख लिया है साहब। जिन्होंने हमारी इज्जत को भरे बाजार में बेचा उनकी जमानत हो गई सर। देखिए मेरी बेटी अभी बाजार गई है, आप खुद ही पूछ लीजिए। अब हमें कोई तंग नहीं करता। आपका चुप रहना उनकी ताकत बढ़ा रहा है। नहीं सर नहीं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सर, आप चले जाइए, हमें इस केस में अब कुछ नहीं करना है प्लीज। सही बोल रहे हैं। आइटम आ रहे ला बॉस। क्या ढक रही हो? तुझे तो सभी ने नंगा देखा है। याद है ना? कल आना। तेरी नई फिल्म बनानी है। हम्म? निकलो। ओए, तमाशा हो रहा है क्या? निकलो यहाँ से। ओए। चल अभी आ जा। मेरे को जानता नहीं, मैं कॉर्पोरेटर का सगा भतीजा हूँ। अच्छा हवलदार, ये सरकारी डंडा है, किसी का भी सगा नहीं। ले जाओ इसे। अरे ठेले पे लेके जाओ ताकि सबको पता चले कि कानून कॉर्पोरेटर के सगे का सगा नहीं होता। यस सर। ले जाओ। अब क्यों रो रही हो? सो ये 2 दिन के बाद फिर छूट जाएगा, इसके बहुत बहुत ऊपर तक है सर। पगली, तेरे आंसुओं की पहुंच ऊपर वाले तक है और मैं भी वही करता हूं जो ऊपर वाला कहता है, वो नहीं जो ये ऊपर वाले कहते हैं। घबरा मत, उसे मैं जेल से छूटने नहीं दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चल घर जा। मेरे भतीजे को नहीं छूटने देगा। अरे उसे तो मैं बचा लूंगा, पर तुझे कौन बचाएगा? हम्म, साला। हाँ
सर यही है वो ब्लू फिल्म सिटीज का गोडाउन। का काम है साहब, हमें माफ कर दीजिए साहब, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया साहब। हाँ बोलना, कितना सीढ़ी चाहिए? सर जी सीढ़ियां तो बहुत चाहिए सर, पर यहां से ले जाने में कोई लफड़ा तो नहीं हो जाएगा सर? अरे काय का लफड़ा भाई, ये धंधा मैं चोरी छुपे थोड़ी करता हूँ। संतरी से लेके मंत्री तक सब जानते हैं, और सिर्फ मुंबई में नहीं, अखा हिंदुस्तान में हर साइज की हर नस्ल की लड़कियों की न्यूड सीढ़ी सिर्फ मैं सप्लाई करता हूँ। कमाल है सर, वो छिपा के कैमरा लगा के जो सीढ़ियां बनती हैं, वो सारी आप मार्केट में सप्लाई करते हैं? मगर ये सीढ़ी सिर्फ छुपके नहीं बनती है, लड़कियों की मर्जी से भी बनती है। अच्छा, लड़कियां मान जाती हैं सर? हाँ देर सवेर सब मान जाती है, कुछ डाट प्यार से तो कुछ हथियार से। अरे बाप रे, सर तो आप हथियार भी यूज करते हो? अरे भाई धंधे में सब कुछ करना पड़ता है, और ये सीढ़ी बनाना है ना, ये सिर्फ मेरा धंधा ही नहीं शौक भी है। धंधा तो फिर भी कानून से हो सकता है, पर शौक के लिए ना कानून को तोड़ना पड़ता है। पर सर जी वो एसीपी अर्जुन सिंह तो कहता है वो आपको अरेस्ट कर लेगा, वो आपके धंधे को ठप कर देगा सर। एसीपी अर्जुन मेरा धंधा ठप करेगा? मुझे अरेस्ट करेगा? शायद उसको पता नहीं है, मैं एक जेब में अदालत और दूसरी जेब में मंत्रिमंडल को रख के चलता हूँ। अभी एक फोन मुख्यमंत्री को कर दूंगा ना, तो अभी के अभी साले को सस्पेंड करा दूंगा, अभी के अभी। उसको जो करना है कर ले यार, देखो मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता, और मैं किसी से डरता नहीं है। बस पब्लिक को छोड़ के सर, पब्लिक के पास तो आपको जाना पड़ता है ना वोट मांगने के लिए इलेक्शंस के टाइम पे। पब्लिक पब्लिक साली क्या करेगी, पब्लिक को तो मैं मूत पे रखता हूँ। पब्लिक तो साली भेड़ है, एक को हाँक दो सब उसके पीछे चले जाते हैं। बिना मतलब। साहब साहब आप टीवी पर आ रहे हैं? अरे यार ये टीवी वाले भी दिन भर एक ही न्यूज दिखाते रहते, कल जो गणपति मंदिर में मैंने मुख्यमंत्री को माला पहनाई थी ना वो दिखा रहे हूँ। नहीं नहीं आप लोग जो बात कर रहे हैं वो टीवी पे आ रहा है। क्या? ये थे मुंबई के सबसे पावरफुल कहे जाने वाले कॉर्पोरेटर। कितनी बेशर्मी से कह रहे थे कि न्यूड सीडी बनाते हैं। आपने अभी जो ऑपरेशन देखा, ये हमने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि चंद दिन पहले हमारी गलती की वजह से एसीपी अर्जुन सिंह के हाथ से एक बहुत बड़ा अपराधी छूट गया था। ये उसी गलती की एक भरपाई है, ये उसी गलती का एक पश्चाताप है। अब हम आपको एसीपी अर्जुन सिंह के पास ले चलते हैं, वो खुद इस मामले के बारे में क्या कहते हैं। सर आपको लगता है ऐसे गुंडों से निपटने के लिए सरकार को और सख्त कानून बनाने चाहिए? सख्त कानून बनाने से नहीं, कानून का सख्ती से पालन करने से ही अत्याचार कम होंगे। अगर आप लोग पुलिस वालों को उनका काम करने देंगे तो इस शहर के जितने भी गुंडे हैं उन सब के लिए हवलदार का एक डंडा ही काफी है। लेकिन सर आप जो कह रहे हैं, लेट मी फिनिश। सिर्फ पुलिस वालों की जिम्मेदारियां ही नहीं, आप सबकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हम सब शरीफ लोग भी महिलाओं पर कुछ कम अत्याचार नहीं करते। ये क्या कह रहे हैं आप, अत्याचार गुंडे लोग करते हैं, हम लोग नहीं। अच्छा, बच्ची के पैदा होने से पहले ही हम उसे मार डालते हैं, और ये काम हम शरीफ लोग करते हैं, लेकिन हम गुंडे नहीं। बट सर वो दहेज न लाने पर हम अपनी बहुओं को जिंदा जला देते हैं, ये काम हम शरीफ लोग करते हैं। लेकिन हम गुंडे नहीं। स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स ऑर्गेनाइजेशंस धार्मिक सामाजिक यहां तक कि आपके न्यूज़पेपर्स न्यूज़ चैनल्स में भी जितनी महिलाएं काम करती हैं उनकी भी मजबूरी का फायदा उठाया जाता है, और ये काम हम जैसे शरीफ लोग करते हैं, लेकिन हम गुंडे नहीं। हम गुंडे नहीं, हम गुंडे हैं।
और जब तक हम हमारे अंदर के गुंडे को खत्म नहीं करेंगे तब तक समाज में गुंडागर्दी खत्म नहीं होगी। अपने घरों में महिलाओं पर अत्याचार बंद कीजिए, मोहल्ला ठीक हो जाएगा। मोहल्ला ठीक हो गया तो शहर ठीक हो जाएगा, और शहर ठीक हो गया तो देश ठीक हो जाएगा, और तब हमारी महिलाओं के दामन पर कोई भी दाग नहीं लगेगा, और फिर दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा भी हमारे हिंद की बेटी से इज्जत से पेश आएगा। तब तक मुझे यकीन हो गया था कि सपना लंदन में जरूर किसी मुसीबत में फंसी है। इसे तुम जानती हो? इसे तो कहां है? ये कहां है? हाँ, ¡Gracias!
Are you okay? Yes, sir. अर्जुन सिंह, जो सबूत तुम सुदामा के खिलाफ ढूंढ रहे हो शायद वो सबूत अब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। क्या मतलब? सुदामा के घर से एक लड़की सीडी चुरा के भागी थी और लंदन पुलिस का कहना है कि उस सीडी में सुदामा के खिलाफ वो सारे सबूत हैं। लेकिन उस लड़की का मर्डर हो चुका है और पुलिस इन्फॉर्मर की रिपोर्ट ये है कि जिस गूंगी लड़की ने वो मर्डर होते हुए देखा है उसी लड़की के पास वो सीडी है। ओके सर। और ताजा सिचुएशन ये है कि वो गूंगी लड़की घर से भाग चुकी है। इससे पहले कि सुदामा के आदमी उसे पकड़े, तुम उस लड़की को ढूंढो और सबूत ले लो। ओके सर, आई विल डू माय बेस्ट। थैंक यू, बाय। अमो, जब मर्डर हुआ था तुमने वहां कोई सीडी देखी थी? देखो, उस सीडी के अंदर सुदामा के खिलाफ सब सबूत हैं। वो हमें मिल जाएगी तो उसका पूरा रैकेट खत्म हो जाएगा। सोचने की कोशिश करो। देखो, तुम वहां गई थी, तुमने शायद कहीं कुछ हाथ लगा हो तुम्हारा, या कहीं कुछ अचानक। देखो, हमें वो सीडी मिल जाएगी तो हजारों लड़कियां बर्बाद होने से बच जाएंगी। सोचो, क्या कुछ याद आया? हाँ, कहाँ है सीडी? हाँ, कहाँ? स्टूडियो में। बॉस, सीडी लाया हूँ, और भी है उधर। बॉस, गूंगी बोलती है। अच्छा, हाँ? गूंगे कब से बोलने लगे बे? इधर आ। गलत लोगों को पकड़ लाया है। गलत है ना सर, वही तो मैं बोल रहा हूँ, मिस्टेक इन आइडेंटिटी। चल अबे, ऐसे कर, जल्दी से हमें खोल दे, कल सुबह शूटिंग भी है ना सर। कम ऑन, लीव अस, लेट्स गो। Come on, babe. Let's go. बॉस, अब इनका क्या करें? काट डालो सर। सर, सर आपकी स्क्रीनप्ले में गलती है सर। सर आपकी कहानी में ट्विस्ट गलत है सर। सर प्लीज सर, सर डू समथिंग, यू कैन नॉट डू दिस सर। ए, चुप। उसको बोलना। हाय सेक्सी। Open my hands. Open.
Mwah. Thank you, baby. Hi, Vikram. Arjun Singh ka phone aaya tha. Us gungi ladki Ammu ne bataya hai ki CD LC studio mein hai. So, give him cover. Yes, sir. Okay? Oh my God. CD LC studio mein hai. अर्जुन वहाँ लड़की के साथ पहुँच रहा है, आप जल्दी से वहाँ पहुँचिए, मैं पुलिस लेकर वहाँ पहुँच रहा हूँ। पुलिस के साथ? एक और प्रॉब्लम? अरे भाई, इस प्रॉब्लम का भी सलूशन है मेरे पास। मैं ब्रिटिश पुलिस को इंडियन टाइम से वहाँ पहुँचाता हूँ, आप जल्दी से ब्रिटिश टाइम पर वहाँ पहुँच कर सीडी हथिया लीजिए। ऑलराइट? ओके। अरे दिनेश हसमुख और दिनेश गंभीर, अरे कहाँ सड़क पर सीडी ढूंढ रहे हो भाई? चल मतलब की बजा। सीडी एलटी स्टूडियो में है क्या? और अगर तुम अपने बॉस के सुपर बॉस बनना चाहते हो ना, तो इससे पहले कि सुदामा स्टूडियो पहुंच जाए, जल्दी से सीडी को अपने कब्जे में कर लो। मतलब तूने सुदामा पांडे को भी सीडी वाली बात बता दी? अरे भाई, जितने खबरी सुदामा के पास है उसे कहीं ज्यादा हमारे पास है। खबर लगते ही हमने खबर दे दी। चल ठीक है, रखता हूँ। वो सीडी एलटी स्टूडियो में, कम ऑन, लेट्स गो। Thank you.
शुशु बेहोश को क्यों मार रहे हो? जाओ चलो। ये वर्दी शर्दी में बहुत ऑफिशियल लग रहा हूं ना मैं? क्योंकि मैं बहुत ऑफिशियल काम से यहां आया हूं। तुम्हें अरेस्ट करके इंडिया भेजना है। तुम्हारी हरकतों से हिंदुस्तान सरकार की बड़ी बदनामी हो रही है। एसीपी साहब, वो सीडी मुझे दे दो। अब देखो, समझदारी इसमें ही होगी अगर तुम वो सीडी सुदामा को दे दो। एसीपी साहब, आपने भी कभी ब्लू फिल्म देखी है ना? अरे हुस्न की असली कदर आशिक नहीं, हम जैसे व्यापारी जानते हैं, जो एक गुमनाम लड़की को भी हिंदुस्तान के हर मर्द के बेडरूम की शान बना देते हैं। Thank you. Thank you. Oh, assi teri gal karni, assi teri gal karni. Oh, gal karni hai daddy naal, assi teri gal karni, gal karni hai daddy naal, assi teri gal karni, gal karni. You think you're really cool, you think you're really fine. You gotta think harder, boy, good men are hard to find. Me, marry you, you're kidding.
kidding me, right? I need a real man who always treat me right. You know what I'm saying, boy? Gal karni. चंडीगढ़ और पटियाला में घुमाऊंगा, मून पे भी जाके हनीमून में मनाऊंगा। चंडीगढ़ और पटियाला में घुमाऊंगा, मून पे भी जाके हनीमून में मनाऊंगा। बल्ले बल्ले शावा शावा करके दिखाऊंगा, तुझको भी अपने संग में नचाऊंगा। ਕਿਹੜੀ ਦੇਰੀ ਹੁਣ ਬਾਤ ਨਾ ਮੇਰੀ ਟਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ